हे गाइस, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आप मिस ना कर पाए हमारे चैनल का कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो। सूचना जनहित में जारी। हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कंप्रेसर के बारे में और उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में, और हर एक टाइप किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंप्रेसर क्या होता है। कंप्रेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी गैस का प्रेशर को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है यूजुअली। तो इस कंप्रेसर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर होता है। तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में जानते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हमारा ये डायग्राम हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को दिखा रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या करता है? इसमें आपका ये आई होता है जहाँ से हम एयर को एंटर कराते हैं, ये आपका इंपेलर ब्लेड्स होते हैं और ये आपका डिफ्यूज़र होता है और ये आपका आउटर केसिंग होता है, जो कि मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ, ये आपका आउटर केसिंग है। तो सबसे पहले आई से जब आप हाई वेलोसिटी एयर को एंटर करवाते हैं, हाई वेलोसिटी एयर को नहीं, जीरो वेलोसिटी एयर को एंटर कराते हैं, तो क्या होता है, ये आपका ब्लेड्स को हम इनिशियली 2000 आरपीएम, वेरी हाई आरपीएम पे रन कराते हैं, 2000 या 3000 आरपीएम पे। तो उस आरपीएम पे जब हम इसको घुमाते हैं और उसी आरपीएम पे हम एयर को एंटर कराते हैं, तो क्या होता है कि एयर इसके साथ ही इस ब्लेड एक्शन के कारण उसके अंदर एक इनिशियली उसके पास कुछ वेलोसिटी रहती है एयर के पास, आई एम सॉरी मैंने वो ज़ीरो बोल दिया, लेकिन उसके पास इनिशियली कुछ वेलोसिटी रहती है। तो उस वेलोसिटी जब वो ब्लेड में के कारण, ब्लेड एक्शन के कारण उसके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, और सेकेंडली फिर जब वो एयर जब इन डिफ्यूज़र से पास करती है तो उसमें क्या होता है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो थोड़ी कम डिक्रीज होती है एंड उसका वही काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है प्रेशर एनर्जी के अंदर। और फिर जब डिफ्यूज़र से पास होकर वो केसिंग के अंदर जाता है तो केसिंग के अंदर भी वही एक्शन रिपीट होता है कि काइनेटिक एनर्जी फिर से डिक्रीज होती है एंड उसका प्रेशर फिर से राइज हो जाता है। और यही हमारे इसी तरीके से हम हाई प्रेशर एयर को फिर आउटलेट से निकाल लेते हैं। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का वर्किंग का मेथड हुआ। तो आइए अब बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हमारा जस्ट लाइक और डीजल साइकिल, डीजल इंजन की तरह है, जैसे कि हम देख सकते हैं, बस इसमें इग्निशन वगैरह नहीं होता है, बाकी हम इसमें बाकी सब प्रोसेस इसकी वैसे ही है। जैसे मैं डायग्राम देख सकते हैं, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंकशाफ्ट है और इनलेट आउटलेट वेल्स हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इनलेट वेल से एयर एंटर करती है, पिस्टन उस टाइम बॉटम पोजीशन पे होता है, फिर उसके बाद क्रैंक रोटेट करता है, तो उस इनलेट वेल को क्लोज करने के बाद क्रैंक को रोटेट कराते हैं तो पिस्टन अप जाता है और उसको कंप्रेस कर देता है एयर को, और उसी टाइम पे हम आउटलेट को ओपन कर देते हैं और वो कंप्रेस्ड एयर हम बाहर खींच लेते हैं। फिर इसी तरीके से साइकिल रिपीट होता रहता है, इनलेट से एयर आता है, आउटलेट पर कंप्रेस्ड एयर रिसीव कर ली जाती है। एक इसमें हमें ये चीज़ जानने वाली है कि इसमें हमें क्लियरेंस वॉल्यूम देते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम इसलिए देते हैं ताकि ऑपरेशन ऑफ पिस्टन इजी हो जाए और ये इसका जो ओपनिंग वगैरह है इनलेट एंड आउटलेट वाल्व का वो इजीली हो जाए, और ये भी कि पिस्टन उस ऊपर वाले जो सरफेस है उससे टकराए मत, ये भी एक रीज़न है ये क्लियरेंस वॉल्यूम देने का। फिर आ जाते हैं एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर हमारा सबसे बढ़िया कंप्रेसर है क्योंकि इसमें हमें एफिशिएंसी जो मिलती है वो लगभग 80% मिलती है, और इसमें जब हम हाई वेलोसिटी एयर को एंटर कराते हैं तो ये आपके इसमें कुछ आप देख सकते हैं, ये एक डोम टाइप स्ट्रक्चर है जो रोटेट करता है एट वेरी हाई वेलोसिटी, एंड इसमें कुछ ब्लेड्स होते हैं, एक होते हैं आपके मूविंग ब्लेड्स और एक फिक्स्ड ब्लेड्स होती हैं। तो फिक्स्ड ब्लेड जो होता है आउटर केसिंग पे लगा होता है और जो मूविंग ब्लेड्स होता है उसको रोटर बोलते हैं, वो डोम शेप पे लगा होता है। तो जब हाई वेलोसिटी एयर इसमें एंटर होती है तो जो वेलोसिटी है इन ब्लेड एक्शन के कारण उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और वही डिक्रीज इन वेलोसिटी आपका प्रेशर राइज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से ये जब नंबर ऑफ स्टेप्स में बहुत ज़्यादा 5-6 स्टेप्स होते हैं यूजुअली, तो उतने स्टेप्स के बाद जब वो पास करके एयर वहाँ से निकाली जाती है आउटलेट से इस साइड से, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई कर मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हमको मिलता है, जो कि इसीलिए बोला जाता है इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है और ये यूजुअली हमारे टर्बाइंस में, गैस टर्बाइंस में यूज़ होता है।